हेलो फूडीज, स्मिताज किचन अरोमा में आपका स्वागत है। ये देखो आप, दाल का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बहुत ही क्रीमी दाल बनी है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। अब दाल मखनी खाने किसे पसंद नहीं है, लेकिन घर पे वो रेस्ट्रा वाली बात तो आती नहीं है। तो अगर आपको दाल मखनी पसंद है और रेस्ट्रा जैसा रिजल्ट चाहिए तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने ली है एक कप अक्खी उड़द दाल और एक मुट्ठी राजमा। आपको अगर राजमा नहीं लेना तो आप चना दाल भी यूज कर सकते हो। दाल को अच्छे से साफ कर लेते हैं और साफ पानी से धो लेते हैं। इसे प्रेशर कुक करना है, इसलिए कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी आपको डालना है 2 कप पानी और 1 चम्मच नमक। कम से कम 6 से 7 सीटियां होने तक आपको दाल को अच्छे से प्रेशर कुक करना है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। जब तक दाल पक रही है तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में आपको डालना है 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध देसी घी से आपको वही ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगी। इसमें डालना है आपको 1 चम्मच शाहजीरा और 2 बारीक कटे हुए प्याज। जब तक आपके प्याज थोड़े लाल नहीं होते तब तक आपको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये हल्का सा गुलाबी हो गया है, बट इसे हमें थोड़ा सा लाल करना है। अभी इसमें डालेगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिला लीजिए। 2 से 3 मीडियम साइज के टोमेटो की प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और अच्छे से मिला लीजिए। आपको डालना है स्वादानुसार नमक और फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। मसाला तैयार है, अब इसमें दाल मिक्स करेंगे। दाल अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं दाल का रंग कितना बेहतरीन आया है। अगर आपको दाल थोड़ी पतली चाहिए तो आपको 1 कप गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से दाल मिक्स हो जाती है, दाल और पानी अलग नहीं होगी। आपको इसको एक बॉईल आने तक पकाना है। दाल मखनी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डालनी है 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला। दाल अच्छे से पक गई है, अभी इसे साइड में कर देते हैं। अब हमें लेना है 1 तड़का प्याज, इसमें डालते हैं मक्खन और मक्खन की मात्रा आपको ज़्यादा ही लेनी है क्योंकि ये है दाल मखनी। मक्खन को हल्का सा पिघलाना है, गैस के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रखना क्योंकि मक्खन जल सकता है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तैयार तड़का आपको दाल के ऊपर डालना है। तड़का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेते हैं। हमारी दाल मखनी बनके तैयार है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। लास्ट में इसे 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम से गार्निश करते हैं। अगर आपको दाल मखनी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और स्मिताज किचन अरोमा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।